हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ प्रिया. आई होप ऑल यू गुड एंड फाइन. सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम नायका एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करके कमीशन अर्न कर सकते हैं, अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, इससे पहले जो था मैंने मिंत्रा पे आपको बताया था कि कैसे आप मिंत्रा पे अपने आप को ज्वाइन करा के एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करके कमीशन अर्न करेंगे. ठीक है, तो आज हम देखते हैं कैसे नायका पे करना है हमने. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पता चले स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना है. और जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्योंकि काफ़ी क्वेरीज होती हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं उन सबके माइंड में कि अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, पेमेंट कैसे मिलेगा, तो वो सब भी डिस्कस करेंगे. तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आपका ये पेज है नायका एफिलिएट प्रोग्राम का, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ये है उसका लिंक, affiliate.nayka.com, या फिर आप क्रोम पे जाके सिंपली अगर आप टाइप करेंगे कि नायका एफिलिएट प्रोग्राम तो भी आपका ये पेज ओपन होके आ जाएगा. तो नायका का जो कुछ पेज है वो ऐसा आपको दिखता है. देखिए, तो ये है, आपको सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स करने हैं, उनको करते ही आप नायका एफिलिएटर बन जाएंगे. कैसे करने हैं आपको, सिर्फ आपको ज्वाइन करना है. ज्वाइन करने के बाद आपको उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कराना है, एडवर्टाइज कराना है, और आपको उसका कमीशन मिलेगा. अब कुछ क्वेश्चंस ये हैं कि नायका एफिलिएट प्रोग्राम है क्या. देखो, नायका एफिलिएट प्रोग्राम जो है वो नायका वालों ने कराया है, उनके द्वारा रन किया जाता है. ठीक है, वो तो जैसे कोई कंटेंट पब्लिशर होते हैं या जो मेकअप ब्लॉगर्स होते हैं जो मेकअप के बारे में लिखते हैं या वीडियोज़ बनाते हैं उसके ऊपर, या टेक्स्ट करते हैं, इमेजेस डालते हैं, कि उनके लिए है, या फिर कोई भी वैसे जो सोशल मीडिया पे है उस वो इसको ज्वाइन करके अपना कमीशन अर्न कर सकता है. ठीक है, मान लो आप एक नायका एफिलिएटर हो और एक कंटेंट आपका ब्लॉगर हो, मेकअप ब्लॉगर हो, आपकी वेबसाइट होना ज़रूरी है अगर आप नायका एफिलिएटर प्रोग्राम बन पे ज्वाइन कराना चाहते हो, या आपकी एक वेबसाइट होनी कंपल्सरी है. ठीक है, तो आप एक वेबसाइट ज़रूर बना लीजिएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे चलाते ही होंगे आजकल सारे. तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका होना चाहिए जहाँ पे आप इनके प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कराएंगे. ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि आपने कुछ, आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आपने अपने कंटेंट में इनके प्रोडक्ट्स का कोई लिंक डाला है, नायका के प्रोडक्ट्स का, तो आप डाल सकते हो अगर आप उसके एफिलिएटर हो. बिना एफिलिएटर के नहीं हो सकता. अगर आप नायका के एफिलिएटर हो और आपने अपने कंटेंट में, अपने ब्लॉग में, अपने सोशल मीडिया में, या फिर अपने व्हाट्सएप पे हो गया, या फिर आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अगर आपने इनके लिंक्स डाले हैं, और अगर कोई कस्टमर आपके उस लिंक को देखता है और उस पर क्लिक भी कर देता है, और क्लिक करने के बाद अगर उससे कुछ परचेज करता है, तो आपको उसका कमीशन मिलेगा. ठीक है, तो मेन काम इनका यही होता है कि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनको आपको कस्टमर तक पहुंचाना है, जो भी टारगेट कस्टमर होंगे, ताकि वो उनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें. ठीक है, जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करेंगे और उसको परचेज कर लेंगे, तो जैसे ही वो परचेज कर लेंगे आपको उसका कमीशन जितना भी परसेंट होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा. ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको फॉर्म भरना है. फॉर्म कैसे भरेंगे वो देख लेते हैं. देखो यहाँ पे ज्वाइन है ना, ज्वाइन नाउ फॉर फ्री, यहाँ पे आपको क्लिक करना है. ये आपका फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, आपको सिंपली ये फॉर्म भरना है. और ये फॉर्म आपका रजिस्ट्रेशन जो है आपका वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना है. सिंपली यहाँ पे आपको अपना नेम भरना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ. ठीक है, उसके बाद ये चेकबॉक्स है आई एग्री टू द नायका की जो टर्म्स एंड कंडीशन है आप उसको एग्री करते हैं, इसको चेकअप करके आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा. तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है, तो आप इसको जैसे ही करेंगे आप जो है नायका के एफिलिएटर बन जाएंगे. तो ये था कुछ सिंपल से स्टेप्स हो गए कि नायका के एफिलिएटर क्यों बनना है, क्योंकि आपको कमीशन मिलेगा जब उनके प्रोडक्ट्स को आप रन कराएंगे. ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स को आप सेल आउट कराएंगे. उसके बाद ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट्स का लिंक डाल सकते हैं जो नायका पे अवेलेबल होगा. ठीक है, nayka.com पे या nayka.nykamind.com पे, दो हैं इनके. तो जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे उनका लिंक्स डालेंगे, कोई परचेज करेगा तो आपको उसका कमीशन मिलेगा. और आप अपनी रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं, जैसे ही आप अकाउंट बना लेंगे अकाउंट सेक्शन में चले जाएंगे, उसके बाद आपको एक रिपोर्ट का, आपके ऑर्डर्स एंड रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा. आप वहाँ पे जाके अपना परफॉर्मेंस जो है वो चेक कर सकते हैं कि कैसे आपका परफॉर्मेंस चल रहा है, और कितने ऑर्डर्स गए हैं, कितने कैंसिल हो चुके हैं, वो सारा वहाँ पे जाके देख सकते हैं. ठीक है, अब अप्रूवल कब होगा, देखो जैसे ही आपने फॉर्म भर लिया ना, फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, आपको मेल आएगा जैसे ही आपका जो अकाउंट है वो अप्रूव हो जाएगा.
वो जो मेल है ना आपको 2 वीक्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है? 2 वीक्स के अंदर अंदर आपका मेल जो है अगर अप्रूव हो जाता है तो आपको कंफर्मेशन मेल आपको मिल जाएगी, ठीक है? जैसे ही आपको मेल मिल जाएगी आप अपने डैशबोर्ड को ओपन कर सकते हैं, डैशबोर्ड को ओपन करने के बाद आप उसको रन करा सकते हैं, ठीक है? और जैसे कि मान लो कईयों का जो अप्रूवल है वो रिजेक्ट हो जाता है तो वो पूछते हैं कि हम दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं, तो इनकी ये पॉलिसी नहीं है। अगर आप एक बार रिजेक्ट हो जाते हैं तो दोबारा उसको रीअप्लाई नहीं कर सकते, आप उस पे दोबारा से अपने आप को अफिलिएट नहीं करा पाएंगे, ठीक है? तो रिजेक्टेड ईमेल आईडी से नहीं अप्लाई करेंगे, आप दूसरी आईडी से स्टार्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, वो आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे उन्होंने लिखा कि अगर आप एक्सेप्ट हो जाते हैं ठीक है, अगर नहीं होते रिजेक्टेड हो जाते हैं तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है कि मान लो आपके कस्टमर्स को लिंक दिया तो उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप जो लिंक देंगे वो डायरेक्टली नायका के पेज पे जाएंगे, प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहां से जो परचेज करेंगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपको उसका कमीशन मिलेगा, ठीक है? उसके बाद फॉर्म्स मैंने आपको बता दिया कैसे आपको फिलअप करना है। अप्रूव होने के बाद आप अपने डैशबोर्ड को चेकआउट कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको बेचना है उसका लिंक वहाँ से कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं अपने अकाउंट्स की, और आप कोई भी टाइप का प्रोडक्ट जो है उसको आप एडवर्टाइज कर सकते हैं जो नायका पे आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है? आप अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर यूट्यूब चैनल है तो आप उस पर बना के डाल सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी चलेगा, या फिर कोई भी कंटेंट ब्लॉगर हो आप कहीं पे भी उसको एडवर्टाइज करा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है कि पेमेंट के ऊपर आता है क्वेश्चन कि पेमेंट आपको कैसे मिलेगा। तो पेमेंट जो है आपको फर्स्ट टू लास्ट मंथ मतलब कि फर्स्ट डे जो होता है वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से आप ज्वाइन करते हो, और लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, ठीक है, तब मिलता है। जैसे कि मान लो कि आपने क्या किया है, आपने जो पेमेंट है मान लो मार्च से डिटेल पेमेंट स्टार्ट हुई है आपकी, तो मार्च के बाद 30 अप्रैल लास्ट हो गया आपका मंथ, पर उसके भी 15 to 13 days बाद मतलब कि आपको मई तक मिलेगा, मई 15 तक, ठीक है? एक तो आपका 1 month होता है पेमेंट का, प्लस में वो 45 days और लेते हैं, तो मार्च में है तो अप्रैल तो जाएगा ही, उसके बाद मई के कुछ दिन जाएंगे, 1 to 15 days, तो ये आपका पेमेंट साइकिल रहेगा। पेमेंट आपको कैश में नहीं मिलेगा, पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर होगा, तो आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका पैन कार्ड डिटेल्स, ये सब आपको डालना पड़ेगा। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आप अफिलिएट नहीं बन सकते, क्योंकि पैन कार्ड आपका मस्ट है, पैन कार्ड होना ज़रूरी है तभी आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि अगर कोई कस्टमर प्रोडक्ट लेता है और उसको रिटर्न कर देता है या कैंसिल कर देता है तो उसका कोई कमीशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीद लिया और जो रिटर्न पॉलिसी है वो उस टाइम का वो फिनिश हो गया, वो टाइम सारा उन्होंने पेमेंट कर दी, तब आपको कमीशन मिलेगा। अगर उन्होंने कैंसिल आउट कर दिया या फिर रिटर्न कर दिया तो उसका कोई कमीशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूछना है या कोई क्वेरी पूछनी है तो आप इनके सपोर्ट टीम को मेल कर सकते हैं, जो कि है nap@nayika.com पे, ठीक है? आप इनको मेल करेंगे, जो सपोर्ट टीम होगी वो आपकी क्वेरीज को हैंडल करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा कि आपको नायका अफिलिएट प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करना है। तो अगर कोई क्वेरी हो फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि उससे मुझे भी अप्रिसिएशन मिले, मुझे भी थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिले, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे।